दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक पर फोटो कैसे डालें। दोस्तों अगर आप भी फेसबुक पर फोटो डालना चाहते हैं फिल्टर टैग लगा के या म्यूजिक लगा के, तो आज की इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से फेसबुक के सारे सेटिंग को यूज करके एक परफेक्ट फोटो को फेसबुक पर अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। चलिए हम यहाँ से फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद सिंपली आपको ऊपर में यहाँ पर आपको होम पेज यहाँ पर है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, स्पेस करके राइट समथिंग हियर, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो और वीडियो का, तो सिंपली आपको फ़ोटो डालना है तो फोटो पे क्लिक करेंगे। चलिए हम फोटो पे क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ से आप जो भी फ़ोटो को डालना चाहते हैं उस फोटो पे क्लिक करके फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, सिंपली कुछ सेटिंग जो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो आप पब्लिक देख रहे हैं, सिंपली आपको यहाँ पर जाना, क्लिक कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हु कैन सी योर पोस्ट, इसका मतलब है कि आप अपने इस पोस्ट को फोटो को डाल रहे हैं तो कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता है, ये सारा कंट्रोल आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए, पब्लिक करेंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे, जो आपके फ्रेंड है वो भी देखेंगे, जो ना है वो भी देखेंगे। अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो सिंपली फ्रेंड्स पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड लिस्ट में से कुछ को नहीं दिखाना चाहते ये फोटो, तो सिंपली इस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर है ओनली मी, ये सेटिंग भी काफ़ी खास हुआ। कभी कभी लोग फेसबुक पर फोटो को प्राइवेट में डालते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। आप इस सेटिंग का यूज करके आप इस फोटो को प्राइवेट भी कर सकते हैं और इस फोटो को कोई नहीं देख पाएगा। और सबसे नीचे में एक और सेटिंग है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिक फ्रेंड, इस सेटिंग का मतलब है कि आप जिन लोगों को सिलेक्ट करेंगे वही लोग आपके इस फोटो को देख पाएंगे। तो सिंपली यहाँ से आप थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि ये सेटिंग क्या होता है। तो सिंपली आपको जो भी पसंद होगा इस पर क्लिक कर लेंगे। और दूसरा सेटिंग यहाँ पर आता है से समथिंग अबाउट दिस फोटो, अगर आप इस फोटो के बारे में कुछ कैप्शन लिखना चाहते हो तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मिलेगा एडिट का सेटिंग, तो सिंपली आपको इस एडिट के सेटिंग पर जाना, क्लिक कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, अगर आपका फोटो बड़ा है या छोटा है अगर आप उसको क्रॉप करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से खींच के इस तरह से इसको क्रॉप कर सकते हैं। और इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर ये जो डन दिख रहा है इस पर जाना, क्लिक कर देना है। अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर जो इफेक्ट दिख रहा है आपको यहीं पर जाना, क्लिक कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर चलिए हम ये जो इफेक्ट है इस पर क्लिक करते हैं। और इसके बाद क्लिक करते हैं, यहाँ से देखिए ये जो मेरा इफेक्ट है सो बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल अगर आप भी इस तरह से कुछ फोटो अपना करना चाहते हैं तो इस तरह से आप क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर नो इफेक्ट पे क्लिक करके नॉर्मल ही रहने देता हूँ। अब आगे मैं बात करता हूँ टैग के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैग का लोगो है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर एक फोटो में दो तीन फ्रेंड है तो सिंपली आप उसको टैग कर सकते हैं ताकि किसी को मालूम चल सके। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि आप इस टैग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पर भी टैग करना चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरा ये एक दोस्त है तो सिंपली इसके फोटो पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं यहाँ से उसको सर्च करना तो बिल्कुल यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली यहाँ पर जो आपका फ्रेंड होगा उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से वो आपका टैग हो जाएगा। इसके बाद से आपके फोटो पर जो भी क्लिक करेगा सिंपली उसके आईडी पे भी चला जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ म्यूजिक के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यूजिक का साइन है, सिंपली आपको यहाँ पर जाना, क्लिक कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक आ जाएंगे, तो सिंपली आपको जो भी म्यूजिक पसंद होगा उस पर क्लिक कर सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो मुझे म्यूजिक अभी नहीं लगाना है तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। इसके बाद यहाँ से लगभग वो सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग जो होता है सो कंप्लीट हो जाता है। तो सिंपली आपको नीचे में ये जो डन का बटन दिख रहा है यहीं पर जाना, क्लिक कर देना। चलिए मैं आप पर जाते हैं, क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद सिंपली आपको ऊपर में नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, तो आपको इसी नेक्स्ट के बटन पर जाना, क्लिक कर देना है। और इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर फिर से ऊपर में शेयर का बटन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको यहीं पर जाना, क्लिक कर लेना। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा फोटो है सब पोस्टिंग हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो यहाँ पर पोस्ट भी हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों अभी बहुत ही आसानी से फोटो में फिल्टर टैग म्यूजिक या बहुत सारे सेटिंग जो मैंने आपको बताए हैं क्रॉप करके आप बहुत ही आसानी से लगा सकते। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप भी बहुत ही आसानी से एक परफेक्ट फोटो को फेसबुक पर डाल पाएंगे।